शिंदे क्या बात है, सिक्योरिटी क्यों बढ़ा रखी है? कमिश्नर साहब का ऑर्डर है सर। क्यों, मेरे ऊपर कोई कहर गिरने वाला है क्या? जाओ। सिक्योरिटी बढ़ाएंगे। हेलो जिंदाल साहब। हाँ बोलो इंदर। पता चल गया, ये उलझन हम सबकी थी ना कि आखिर गुड्डी के हाथ ऐसा क्या लग गया कि वो आकाश के कातिलों के बारे में जान गई। कौन सी ऐसी चीज थी? दरअसल उसके हाथ आकाश का वो पेन कैप लग गया था, तभी तो वो देवा को फोन करके बता रही थी। बेचारी भाई तो मरा मरा, भाई के चक्कर में बहना भी मारी गई। और मरते मरते आकाश की मौत का आखिरी सबूत भी हमारे हाथ दे गई। अब आकाश और गुड्डी की मौत पूरी दुनिया के सामने एक सवाल बनकर रह जाएगी। और जिंदाल साहब, जिस दिन से मैंने मेरे भाई फिलास की लाश को देखा है, मेरे अंदर जो आग लगी है आज जाके बुझवाई है। और वो हेलो तेरा ये नया चेहरा कितना घिनौना लग रहा है इंदर। देवा, मुझे हाथ पर लगाना, तुझे बाबूजी की कसम, तुझे अम्मा की कसम, देख तेरा जीजा हूं मैं। ये ले, ये क्या? ये मिंडी। अच्छा है जिंदाल साहब को अब कुछ तो समझ में आया होगा। ए भाई, फोन लगा जिंदाल साहब को? जी हाँ लग गया हुजूर। हेलो जी साहब। हाँ साहब से बात कराओ। साहब बंगले पर नहीं है। बंगले पर नहीं है? जी। तो किधर गए? पुलिस स्टेशन में है। पुलिस स्टेशन? मगर क्यों? मालूम नहीं, कल इंदर साहब से बात हुई थी तब से उधर ही है। जिंदाल साहब भी बस वापिस इंदर सक्सेना की घुसकर बैठे हुए होंगे, उनका तो दिमाग खराब हो गया है। ए गिलास दे। काप क्यों रहा है खान? मौत का खेल तो शौक है ना तेरा,
देवा, मैं तूने तो इस शहर में लोगों को खुलेआम मारा है, तो तेरी मौत इस बंद कमरे में कैसे हो सकती है? डर लग रहा है तो दौड़, अगर दौड़ तुझे तेरी मौत से दूर ले जा सकती है तो दौड़ 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 खान दौड़ दौड़। कम से कम आप तो समझने की कोशिश कीजिए, इनकी हालत में कुछ सुधार नहीं हो रहा है। गोलियों के जख्मों की वजह से इनके शरीर में जहर फैलता जा रहा है। इन जख्मों को साफ करने के लिए मुझे कुछ छोटे छोटे ऑपरेशन करने पड़ेंगे, जिसके लिए हॉस्पिटल जाकर मुझे कुछ चीजें और दवाइयां खुद जाकर लानी पड़ेंगी। आप प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मगर तुम्हारे साथ मेरे आदमी भी जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।
आइए, आप प्लीज यहाँ बैठिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सिस्टर। देखिए जितना भी ऑपरेशन का सामान, ये दवाइयाँ, ये इक्विपमेंट है ना, सबको दो मिनट में पैक करना है। जी अभी ना भी आया। बोल रहा हूँ। देखिए मैं डॉक्टर राणे बोल रहा हूँ, अपोलो हॉस्पिटल से। जी हाँ, देखिए मैं जानता हूँ कि देवा ने सीएम साहब को कहाँ रखा है। वो मालवनी विलेज है ना, उसके पास वो पुराना किला है, उसके पास। जी हाँ, देखिए सीएम साहब की हालत बहुत खराब है, उन्हें एक अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है। जी हाँ, वो बच सकते हैं और देवा भी उन्हें बचाना चाहता है। ओके सर। जिंदाल साहब, दो खबरें हैं, एक अच्छी एक बुरी, पहले कौन सी सुनेंगे? कान तरस गए अच्छी खबर सुनने के लिए, पहले अच्छी सुनाओ। देवा जिस जगह पर छिपा है, उस जगह का ठिकाना हम सबको मिल चुका है। सीएम साहब अभी भी जिंदा हैं और देवा उन्हें बचाना चाहता है। देवा, देवा, देवा कहाँ है? कोई तो बताओ देवा कहाँ है? मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। कहाँ है? के लोगों, इस बस्ती को पुलिस ने पूरी तरह से घेर लिया है। अगर किसी ने देवा से वफादारी निभाने की भूल की या फिर इस ऑपरेशन के दौरान किसी ने अपना सर उठाने की जुर्रत की तो उसको दुनिया से उठा दिया जाएगा। फ्रंट पुलिस फोर्स, मूव मूव। देवा, ए देवा, बुजदिल साले, अरे देवपुरा के कौन से बिल में छिपाए तू? अरे बाहर आता है या उसी बिल में मैं तेरी कब्र बना दूं। भी सीएम मिले उसे खत्म कर डालो। Ah!
चलो रशिद, चलो जल्दी चलो, चल जल्दी, आई सर, चल चल मनी जल्दी चल, चले चलो गाड़ी निकालो जल्दी, चल चल रशिद, चल 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 बंद कर दरवाजा, बाहर निकल देवा, बाहर निकल, चल जानवर को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है देवा, बनना पड़ता है। मेरा बेटा देवा बेकसूर है, गोली मुझे जिंदाल ने मारी थी, एसीपी सक्सेना ने मुझे फोन करके डेल्टा टावर बुलाया था अकेले, जब मैं वहां पहुंचा तो वहां सक्सेना नहीं था, जिंदाल था। ये अदालत मुजरिम देवा को 7 साल कैदे बामुशक्कत की सजा सुनाती है।